हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज गाइस हम आप सभी को बताएंगे कि आप आईफोन कहां से खरीद सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, आईफोन ही नहीं, जी हां दोस्तों, आज हम बताएंगे एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स आप कहां से खरीद सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारी शॉप्स हैं, ऑनलाइन पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स ट्रस्टेड कहाँ से है, हमको कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन एप्पल का ऑथराइज्ड स्टोर है, तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे कि आप जो है कहाँ से एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो फ्रेंड्स स्टोर है वो फ्रेंड्स है एप्पल का खुद का स्टोर इंडिया में। जी हाँ फ्रेंड्स, एप्पल का खुद का स्टोर अभी तक कहीं भी नहीं है इंडिया में, बस उनका एक ऑनलाइन स्टोर है, apple.in वेबसाइट है उनकी, वहाँ से जाकर फ्रेंड्स आप कोई सा भी एप्पल का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, चाहे वो मैकबुक हो, iMac हो, iPad हो, iPhone हो, AirPods हो, कुछ भी एप्पल की एक्सेसरीज हो, वो फ्रेंड्स सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल है, वो फ्रेंड्स आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। apple.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यही इनका इंडिया में ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे पर्सनली इनका ऑनलाइन स्टोर नहीं पसंद आता, क्योंकि फ्रेंड्स इनके स्टोर पे ना तो कोई कैशबैक ऑफर रहता है, ना तो प्रोडक्ट पे किसी भी डिस्काउंट रहता है, तो फ्रेंड्स क्यों हम ऑनलाइन परचेज करें जब हमको रीसेलर्स ही इतने सारे मिल जाते हैं। और एप्पल का प्रोडक्ट आप चाहे जहाँ से खरीदिए हर जगह ओरिजिनल होता है, चाहे आप उसको ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदिए चाहे स्टोर से खरीदिए, एक ही प्रोडक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स ऑनलाइन पे आपको फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद फ्रेंड्स ऑनलाइन परचेस किया है, और मैंने दूसरा जो आईफोन है वो मैंने जो है स्टोर से परचेस किया था, लेकिन फ्रेंड्स दोनों ही मेरे अच्छे चल रहे हैं, किसी में भी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस ये जरूर है स्टोर पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंड्स प्राइस पे करना होता है इन कंपेरिजन टू ऑनलाइन, लेकिन फ्रेंड्स एप्पल की अगर आप वेबसाइट से लेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पे तो ऑफलाइन से ज़्यादा भी आपको जो है प्राइस पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एप्पल को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से परचेज करिए apple.in से, और मेरा जो प्रेफरेंस है वो है फ्रेंड्स ऑनलाइन के लिए अमेज़ॉन फर्स्ट नंबर पे एंड सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, यही दो वेबसाइट्स हैं जो एप्पल की खुद की ऑथराइज्ड ऑनलाइन रीसेलर्स हैं। वैसे फ्रेंड्स इंडिया में ऑफिशियल वेबसाइट तो है ही एप्पल की, इसके अलावा जो है ऑनलाइन ऑथराइज्ड पार्टनर जो है एप्पल के वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है। तो फ्रेंड्स अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, इन दो प्लेटफॉर्म से आप कभी भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा और आपको सर्विस सेंटर पे हमेशा सर्विस दी जाएगी। अगर आप फ्रेंड बिल ना भी लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर पे, तब भी आपके फ़ोन को जो है रिपेयर किया जाएगा या रिप्लेसमेंट दिया जाएगा आपको, जैसी भी कंडीशन होती है उस अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप जा सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन से परचेस करना चाहते हैं, रिलायंस डिजिटल या फ्रेंड्स क्रोमा स्टोर, और रिलायंस डिजिटल मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, और क्रोमा भी ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको रिलायंस में ज़्यादा ऑफर्स देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू क्रोमा। क्रोमा थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, और रिलायंस डिजिटल मुझे ज़्यादा सही लगता है, वहाँ की प्राइसिंग भी सही है, स्टाफ भी क्रोमा से आपको रिलायंस डिजिटल में ज़्यादा ट्रेंड एंड अच्छा मिलेगा अगर आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो। एंड थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो हैं एप्पल के खुद के रीसेलर्स, जैसे कि यूनिकॉर्न हुआ, इमेजिन स्टोर हुआ, आई डेल्टा स्टोर हुआ। इसके अलावा आपके आसपास जो शॉप्स होती हैं मोबाइल शॉप्स, वहाँ पे भी आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसी शॉप से लीजिएगा जो फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो, और फ्रेंड्स वहाँ पे आपको ओरिजिनल बिल मिलता हो। ओरिजिनल बिल का मतलब ये है कि कंप्यूटराइज बिल फ्रेंड्स, क्योंकि कंप्यूटराइज बिल पे ऑर्डर नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, डेट होती है, परचेज डेट होती है, IMEI नंबर होता है, सारी डिटेल्स होती है। अगर आप किसी भी मोबाइल शॉप से लेते हैं, अगर वो मल्टी ब्रांड स्टोर है, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में आप जो है उनसे कंप्यूटराइज बिल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको सर्विस में कोई भी इशू ना आए। कभी कभी फ्रेंड्स फ़ोन को लॉक कर दिया जाता है, या फ्रेंड्स बाई मिस्टेक हम ही से फ़ोन लॉक हो जाता है। जब हम फ्रेंड्स अपने मोबाइल में कोई भी एप्पल आईडी डालकर उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ दिन के बाद फ्रेंड्स वो जो है हमारा फ़ोन जो है लॉक हो जाता है, और उसके बाद फ्रेंड्स जो है इसको अनलॉक कहीं से भी नहीं कराया जा सकता है। चाहे फ्रेंड्स आप सर्विस सेंटर जाइए, एप्पल कंपनी में कॉल करिए, ईमेल करिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए, आपका फ़ोन नहीं खुलेगा।
एक ही फ्रेंड्स प्रोसेस है उसको खोलने का, एप्पल की बैकएंड टीम। जी हाँ फ्रेंड्स, एप्पल की बैकएंड टीम ही चाहे तो आपका फ्रेंड्स फ़ोन का लॉक खोल सकती है। वो भी फ्रेंड्स कुछ लेंथी प्रोसीजर होता है, उसमें फ्रेंड्स आपको इनवॉइस बिल शेयर करना होता है। इनवॉइस बिल शेयर करने के बाद में फ्रेंड्स वो वेरीफाई करते हैं आपके मोबाइल के सीरियल नंबर को, देन आपके फ़ोन की जो एप्पल आईडी है उसको डीएक्टिवेट करते हैं, तब जाकर फ्रेंड्स आपका जो है फ़ोन अनलॉक होता है। ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, इसमें एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है आपको, क्योंकि एप्पल की बैकएंड टीम से होता है, उनकी सीनियर टीम करती है ये वर्क, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क भी होता है और फ्रेंड्स वेरीफाई भी किया जाता है, सीरियल नंबर, IMEI नंबर सब कुछ फ्रेंड्स वेरीफाई होने के बाद में तब उनको जाकर जब सही लगता है तब वो फ़ोन को अनलॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह से फ़ोन को परचेज करिए जो आपको बिल देते हों और फ्रेंड्स ओरिजिनल बिल देते हों, ऐसा नहीं कि कच्चा बिल दे दिया या फर्जी बिल बना के मैनुअल दे दिया, वो बिल फ्रेंड्स किसी काम का नहीं है। आपने 1.5-2 लाख का फ़ोन लिया है तब भी फ्रेंड्स आपको जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस ना मिले, तो ऐसी जगह से कभी मत फ़ोन परचेज करिएगा। हमेशा आप जो है ट्रस्टेड स्टोर से, ट्रस्टेड शॉप से या ट्रस्टेड एप्पल के जो ऑथराइज स्टोर है वहाँ से जो है हमेशा अपने आईफोन को या मैकबुक को या आईमैक को, आईपैड, जो कुछ आप खरीदना चाहते हैं वहीं से परचेज करिएगा। अदरवाइज आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आपको बिल ज़रूर दिया जाता है। इन केस अगर ऑनलाइन से बिल नहीं आता तो आप उसको माई ऑर्डर सेक्शन में जाकर इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो गाइस, यही थे हमारे बेस्ट ऑप्शंस आईफोन को यानी कि एप्पल प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा आप सभी को पसंद आया है तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।